हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव व्लॉग। और एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ये वाला व्लॉग हो गया है थोड़ा सा लेट। वो इस वजह से हो गया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया था और बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं कर रहा था। खराश हो रही थी गले में, आवाज़ भी बिल्कुल एकदम से ख़राब हो रही थी, अभी भी थोड़ी सी लग रही होगी। तो उसकी वजह से मैं व्लॉग में एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ। और अभी फ़िलहाल वही व्लॉग है ये, जो हम हरिद्वार से लौट रहे हैं। तो हरिद्वार से लौटते समय जो है हमने एक मंदिर पर दर्शन किए थे, तो वो वाला व्लॉग थोड़ा सा लेट गया है मेरा। आई होप आप लोग इंजॉय करेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा व्लॉग में। आज आप लोगों को शिवलिंग के दर्शन कराऊंगी मैं, जो वो शक्तिपीठ खुद से निकली हुई है वहाँ पर, तो वो मैं आप लोगों को दर्शन करा दूंगी। तो यहाँ पर जो है, फिर इसके बाद काफ़ी लेट से हो गए थे हम लोग निकलने, क्योंकि हम लोगों ने स्टे तो किया नहीं था, तो हम लोग निकल ही लिए थे वहाँ से। तो ये जाने के बाद जो है, फिर हम पहुंच गए सीधा पहले मंदिर पे, फिर उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। तो चलो सबसे पहले सीधे कर लेते हैं दर्शन। गर्मी तो काफ़ी तेज़ हो ही रही थी। तो यहाँ पर आ गए हैं हम जो है शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। और ये मोटा महादेव के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है, और हरिद्वार जाते हुए रास्ते में ही पड़ती है, मतलब नजीबाबाद से हरिद्वार वाले रूट पर मतलब रास्ते में जो है ये शिवलिंग का मंदिर पड़ता है, काफ़ी बड़ा। तो ये बहुत काफ़ी पुराना मंदिर है, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये अंग्रेज़ों के टाइम का है। उस समय भी यहाँ से कोई सुरंग जो है नजीबाबाद में जो एक किला है वहाँ तक भी जाती है, और यहाँ पर उन्होंने चौकी भी बनाई हुई है, पुलिस चौकी है अंग्रेज़ों की। तो यहाँ पे सब लोगों ने बारी बारी से जो है जल चढ़ा दिया। यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और इसकी एक मान्यता और है कि जो यहाँ पर सच्चे मन से जो मांगता है उसके मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो अगर आप लोग यहाँ पर नहीं आए तो एक बार ज़रूर आइएगा। और जो है फिर इसके बाद जो हम लोग सीधा निकल आए थे घर में, हमें आते आते शाम को बज गए थे, 6 बज गए थे, हम लोग 6 बजे घर पहुंच गए थे। तो इधर से जाते हुए हम लोगों ने इसलिए दर्शन नहीं करे थे इस मंदिर में, क्योंकि कुछ लोग नहाए हुए थे हम लोगों के साथ, और कुछ लोग बच्चे वगैरह सुबह सुबह नहीं नहाए थे ना। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि लौटते समय जो है गंगा जी के स्नान करने के बाद हम लोग शिवलिंग के दर्शन करेंगे। तो उसके बाद हम लोग आ गए, अब यहाँ पर मैं भी जल चढ़ा रही हूँ। तो कुछ ऐसे भव्य दर्शन होते हैं, मतलब कि कभी कभी हो पाते हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ से एक दो बार निकली हूँ, तो मैं दूसरी बार इस मंदिर पे गई हूँ। तो हर बार अगर हम लोग ये सोचें ना कि हाँ हर बार हम एक जगह चले जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है जब तक किसी चीज़ का बुलावा नहीं आता या समय नहीं आता, हम उस जगह जा ही नहीं पाते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सर? तो अभी हमने दर्शन करे हैं भोलेनाथ के, और मैं आपको बता दूं ये है मोटे महादेव के नाम से ये प्रसिद्ध है ये जगह। तो यहाँ पे ये शिवलिंग निकले थे, तो यहाँ बहुत बड़ी मान्यता है कि सच्चे मन से भक्ति भाव से यहाँ पर जो भी कोई मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो हरिद्वार जाते हुए ये हमारे रोड पर पड़ते हैं शिवलिंग, तो हमने यहाँ पर इनके दर्शन किए हैं। मतलब हर ये नहीं होता, बड़े दुर्लभ होते हैं इनके दर्शन। तो अगर आप लोग आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं आए तो वहीं से आप लोग हाथ जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे ना थोड़ी मधुमक्खियाँ हैं बहुत, वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाना उसकी वजह से, पर काटती नहीं है ये भी है, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं काटती है किसी के भी। और मैं आपको दिखा दूँ नज़दीक से, और सारी वीडियो में भी आप देखना कि कितनी सारी हैं शिवलिंग के ऊपर। और ये निकले हुए शिवलिंग थे, अपने आप निकले थे यहाँ पे शिवलिंग। और बहुत काफ़ी पुराना मंदिर है यहाँ पे, जब कांवड़ लेकर आते हैं तो यहाँ पर जल भी चढ़ाया जाता है। तो ये इतनी सारी मधुमक्खियाँ हैं, पर बिल्कुल भी किसी को नहीं काट रही हैं ये, और हम लोगों ने जल वगैरह चढ़ा दिया है। तो सब अभी चले गए हैं उस तरफ, तो अब ये दर्शन करा दिए हरिद्वार से आते हुए। तो वो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, तो ये ब्लॉग मेरा दूसरा ब्लॉग है। और अगर आप अभी फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों को मिलेंगे। तो ये मंदिर के दर्शन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, बाकी सब खड़े हैं गाड़ी के पास, तो मैं भी चलती हूँ उधर गाड़ी की तरफ। और यहाँ पर शायद से ना यहाँ पे धुलाई वुलाई होती रहती है, तो अभी भी हो रही है दोपहर में, दोपहर के अभी समथिंग 3 बजे हैं। और उधर है नंदी जी, तो बहुत ज़्यादा सफाई भी है यहाँ पे, सारे में पानी वगैरह हो रहा है, धुलाई हो रही है। सुबह के टाइम भी हम दर्शन करके ही निकले थे यहाँ पे, अब दोबारा से दर्शन करने आए क्योंकि गंगा जी नहा के आए थे, तो हमने सोचा फिर से शिवलिंग जी के दर्शन कर लेते हैं भोलेनाथ के। तो भाई मेरे पास तो बहुत कुछ था,
भोले से मांगने के लिए, तो मैंने मांग लिया है। भोलेनाथ बस अब अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनाए रखें, और जो भी कोई गलती हुई हो मुझसे, मुझे उस गलती के लिए क्षमा करें। बस यही मैंने उनसे भोलेनाथ से कहा है, और जो भी और मैंने भोलेनाथ से कहा है वो मेरा पूरी हो ही जाएगा। तो वो जब मैं आऊँगी दोबारा तो मैं बता ही दूंगी भोलेनाथ के सामने कि मैंने क्या मांगा था उनसे। तो चलो चलते हैं गाड़ी की ओर अभी, है ना। मैंने आप लोगों को दर्शन तो करा ही दिए हैं, आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो ये लोग शायद से गन्ने वगैरह का जूस पी रहे हैं, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। मतलब यहाँ ना पानी भीगे भीगे पैर पी लिया, गन्ने का रस पी लिया। तो भैया कहाँ गया है, क्या चीज ला रहे हैं? अच्छा गन्ने का रस। हाँ गन्ने का रस बहुत शुभ होता है शिवलिंग जी पे चढ़ाने के लिए। हाँ व्यांश व्यांश हाथ जोड़ लिए, आओ मैं पकड़ू लो, आ जाओ ले आओ, आओ मेरे पैर दो पकड़ लियो उधर से। तो भैया उधर से गन्ने का रस ले आया, बहुत शुभ होता है गन्ने का रस शिवलिंग जी पे चढ़ाने के लिए। तो भाई का मन जो है ना मेरे पूजा पाठ में बहुत ज्यादा है उसका हमेशा से। तो बस अब हम यहाँ पे बस ही फाइनली भैया की पूजा हो जाए, बस अब हम अब निकल जाएंगे। बीच में थोड़ा खाए पिएंगे क्योंकि अभी खाने का हो गया है टाइम। और आप लोगों को बता दूं गन्ने का रस जो होता है वो बहुत शुभ होता है शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं चढ़ाया तो शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाकर अपनी मनोकामना को मांगो, शिवलिंग से तो ज़रूर पूरी करते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ऐसा करके देखना। मतलब कैसे, मतलब यहाँ किसी का खेत था जहाँ शिवलिंग निकले थे? जो अंग्रेजों के ज़माने का। अच्छा बहुत ही पुराने वो है ये है? अच्छा और ये भव्य दर्शन करने के बाद भूख लग रही थी बहुत जोरों से। तो फिलहाल हम लोग कुछ नहीं सूझा, हम लोग पहुंच गए बस अब खाना खाने के लिए। और यहाँ पर सब बैठे हैं तो वर्षा सबसे पहले पेट पूजन करा रही है बच्चों का, क्योंकि बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होता है कहीं पर भी जाना। तो उसको वो केला मैश करके उसको खिला रही हैं छोटे वाले को, और खाना ऑर्डर हो चुका है। तो अभी तो बैठे हुए सब लोग अपना फ़ोन चला रहे हैं। अब जितने भी पर्सन होते हैं ना सबके हाथ में फ़ोन होता है, बात तो कहीं पर होती नहीं है। दक्ष का अलग चल रहा है और विकास का अलग, उधर काविंदर जी का अलग, बस वर्षा थोड़ी एक्टिविटी में लगी हुई है व्यांश को खिलाने की। और खाना खाकर बस यहाँ से सीधा निकल गए थे। मेरा खाना सबसे पहले हो गया था तो मैंने व्यांश को पकड़ लिया, क्योंकि बच्चे के साथ तो एक ही का खाना हो पाता है। और वर्षा थोड़ी काफ़ी परेशान होती, दोनों बच्चों को भी खिला रही थी और खुद भी खा रही थी, तो मैंने उसको ले लिया है। अब उन्होंने भी खाते हो गया, अब हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।